दौड़ गया वा यार एक ते तू जड़ा ना ऐ को गल नहीं है भाई तू हां मन्नी एक शर्त कही है मन्नी है जे केड़ी शर्त लो बोल गए जे यार शर्तां तू ना इधर वे इमरान कल्लू तू दो वारी शर्तां लखाईयां ने दोवें यारी ओ शर्तां पुठियां पा छड़ियां ने तू ही दोन मेरी भूल गए तैनू अच्छा लो मैं ते लिखियां जे आंदे हो ते मैं पढ़ के सुना देना वा नहीं भावा दोवें यार जड़िया दो शर्तां सा जे ऐ जड़ी 6 सितंबर नू जड़िया शर्तां तुसां लाईयां सन ओ 6 सन ते फिर 10 सितंबर नू जड़िया शर्तां लाईयां सन ओ 2 सन तक लिख के रखियां हजे तक लिख के ओ ऐ वेख लै ऐ वेख लै ऐ वे तू ऐ ना कहीं मैं गप मारना पिया तू अपना दावा भी लिखाया फिर मुसलमात एवे मौजूआत तू लिखाए सब मैं लिखा फिर मैं असूले मुनाजरा लिखाए सन फिर मैं दावा पेश किया फिर अपने मुसलमान हर चीज तय हुई है तू हूं आप ही ना मुनाजरा करें साडे नाल ते हूं असीं की कर सकने दस ना हैमरान तू ही वड्डे उस गड्डी दे वड्डे स्पीकर ते तोर क्यों मैं कह की लग गया हर वारी आके शर्त लिखा के निकल जांदे हो मुनाजरा करते हो कोई नहीं तुसी करदे नहीं है शर्त लिख लैंदे हो मनदे कोई भी नहीं उची बोल भरावा नहीं गल हुंदी है गल केड़ी होण रही है ए ते नहीं मिर्ज़ा साहब दी गल ते गल ही नहीं करनी गल दा भी ते पता नहीं चल कोई नहीं यार तू आज इमरान नवीं शर्तां लहा ते गल शुरू कर यार की हो गया यार तू ते नाराज ही हुंदा पिया ओ नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं नज़ीर भाई आए ने अस्सलाम वालेकुम आपस नहीं छो कोई अपने बजुर्ग मिर्ज़ा साहब जिंदगी फतवे दे मर गया तू ही कह दो भरा अपने बजुर्गां दी कीती कराई ते पानी फेर छड़िया तू ही वेख लवो ਐ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਤਵਾ ਰਜ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਤਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ अपने जेड़े मुजद्दद मुफ्ती साहब केड़े पासे तुर पे हुण बोलन भी ते देना माइक म्यूट कर बोलन भी ते देना कोई माइक की म्यूट करा तू गल ही आओ जी कर चढ़ी मेनू ते पचन नहीं डई ते अहमद ज़बरेलवी साहब नूं किवें हज़म होएगी जे उन्हां दी रूह नूं अज पता लग गया ना कि मुफ्ती मशर ने आ गल कीती है तुहाडी खैर नहीं जे बहुत जुल्म कीता तुसीं मुफ्ती साहब बहुत जुल्म कीता जदों तू कहेंगा ना उदों मैं बोलांगा तू बोल ले जुल्म कीता जे इस चीज दी माफी मंगो को मेरे कोल गलती होई है मैं गलत बयान नहीं कर बैठा मैनूं समझ नहीं आई बस मुंह निकल गई है ए बहुत जुल्म कीता तुसीं अज ਹਨੀਫ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ
अहमद अज़ा बरेलवी साहब ने की गुजरन दई हो गया। बोलो दसो माफी मांगते कि नहीं? माइक म्यूट कर ला फिर मैं बोलना। मैं गड्डी चलाने मैं माइक नहीं म्यूट कर सकता, फिर मैं सेट नहीं लगा रहा मैं सुन। अच्छा चलो उस्मान तुसी माइक म्यूट कर दियो भाई इन्हों का। अच्छा तो फिर ऑन भी नहीं ना कर सकता। अच्छा ठीक है, गल है वे के तेरी पहले भी असी हर चीज़ मनी, 6 सितंबर नू तू मुनाजरे दे असूल लिखाए, मौजूआत लिखाए, ठीक है 6 मौजू तू लिखाए सन, तू ओदे तो दौड़ गया। फिर 10 सितंबर नू तू सामने आया, तू मुनाजरे दे मौजू लिखाए, शरायते मुनाजरा लिखाइया, अपना दावा पेश किया, अपने मुसलमात पेश किए, तू ओदे तो भी दौड़ गया। अज जनाब 15 सितंबर हो गई है भाई, माइक अज 15 सितंबर हो गई है, गल सुनो तू जेड़े मौजू ते कहेंगा उस मौजू ते गल कर लेंगे, तू मौजू कर सही, तू जेड़े दुनिया दे असूल ते कहेंगा उस असूल ते मुनादरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तू गल कर सही साडे नाल, तू मौजू तू आप ही मौजू देना वे ओदे तू तू निकल जाना है। तू 6 सितंबर नू मौजू दिता सी, पहला मौजू सी कि जिस मसीह के इंतजार में तुम लोग बैठे हो तो हमने उस मसीह को मान लिया या तुम इंतजार में बैठे हो, इस मौजू के उत्ते तू क्या सी पहली गल होगी जिस उत्ते मैं मुनाजरा कराँगा, वो मौजू अज की तब्दील हो गया कि जे तू अज इस मौजू ते गल नहीं कर सकता तो क्या उस दिन 6 सितंबर नू तेरे को गलती हो गई सी? तू दस दे भाई मेरे को गलती हो गई सी, अज मैं नवा मौजू वे उहदे ते गल करना। तू दूजा मौजू लाया सी कि अगर उम्मत में से मसीह आएगा तो फिर खत्मे नबूवत का क्या बनेगा। तीजा तेरा मौजू सी कि जिस तरह तुम खत्मे नबूवत के मानते हो तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो जिंदा हैं उनका फिर क्या बनेगा, फिर खत्म नबूवत नहीं रहती। नंबर 4 वही बंद हो गई है। नंबर 5 मुसलमान कौन होता है। नंबर 6 क्या उलमाए इस्लाम को ये इख्तियार है कि वो किसी को काफर कहें। 6 मौजू तू 6 सितंबर नू लहाए सन, क्या उन्हें मौजूआत दे विचों तू किसी मौजू ते गल नहीं करेगा, क्या नवा कोई मौजू वे लै के तू दस ना जी मैं फलां मौजू ते गल करनी है, तू गल करने वाला बन। मैं तेनू आज़ाद किया उस दिन भी आज़ाद किया, 10 सितंबर भी तेन मैं आज़ाद किया, अज 15 सितंबर हो गई है मैं तेन आज़ाद करना दुनिया के किसी मौजू ते आ तू गल कर सही। 2 मिनट तू गल करेगा, 2 मिनट मैं करा, 1 मिनट करनी है 1 मिनट कर लै, इतने स्टाफ वाच चला लें, तू आ तो सही गल तो कर, तू पैरों का भार ही नहीं पाता, तू जो आना तू कहना मैं हूँ गड्डी चला रहा वा मेरे को टाइम नहीं है, चलो जी मैं हूँ माइक तुहाडे हवाले करना तुसीं गल करो, माइक ओपन करो तो गल करो। माइक आप ही खोल दो, कि माइक खोलदा खोलदा गड्डी कितने ठोकदा जे। उस्मान इन्हों का माइक ओपन कर इधर, चलो और माइक ही ओपन कर इनवाइट दौड़ी है जी जी। मैं माइक का इनवाइट उन्होंने भेजता सी ते उन्होंने माइक नु नहीं एक्सेप्ट किया ते खुद ही दौड़ गए। बस वही ना, दौड़ जाना ही बहादुरी है, दौड़ना ही बहादुरी है। कादियानी तराना है जनाब, तराना है कादियानियत। शाह जी मेरे ना आज मुतफिका करारदार एक पेश करो, नहीं तो मैं जरा ना इतमे झड़ना करना शुरू कर। जी 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 जी, ये करारदार अज पेश की जाए जी कि चूंकि कादियान का लफज मुराब होके कुरा तो निकलिया, जरा कुरा सी ओ काफ कुत्ते वाला काफ कैंची वाला नहीं,
ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਫ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਾਸੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੇ ਵਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰਿਫ ਕਰ ਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਕੁਕੜੀ ਕੋਲੀ ਮੇ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾ ਟਰਾ ਕੇ ਫੜਦਾ ਕਰ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਖਾਕਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਆਪਕੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਲਾਈਵ ਪੇ। ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਮੌਜੂ ਬਤਾਏ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬਾਤ ਲੈ ਗਏ ਥੇ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪਕੇ ਮੌਜੂ ਪਰ। ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮੈਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੇ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮੈਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਮੌਜੂ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੋ ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੋ ਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੋ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਕਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇ? ਨਹੀਂ ਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੋ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਕਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਸਕਾ ਰੱਦ ਕਰੇਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਕੁਛ ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਨਾ। ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ, ਯੇ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ। ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ? ਟੌਪਿਕ ਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮੈਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇ ਬਾਤ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ? ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਤੋ ਰਹਿਣੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਆਪਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਾਮੀ ਤੋ ਭਰੀਏ, ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂ? ਕਰੋ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੇ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲਗਾ ਲੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਚਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੇ ਲੈ ਜੀ ਯੇ ਸਟਾਫ ਵਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਯੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਕੁਰਾਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕੀ ਇਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸਕਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਪੜੂੰਗਾ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੇ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਕੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ। ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਨ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਮ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਵੋ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀਓ ਕਾ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਦੇ ਤੌਰ ਪੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀਓ ਕਾ।
यानी ख़त्म करने वाला नबियों का। तो ये हमारा 1400-1500 साल से ये अकीदा चलता आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में दरमियान में कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूल कमो बेश तशरीफ़ लाए, तो आखिर में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो ये मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया चलता आ रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अकीदा और नज़रिया था। इनका माइक तो म्यूट करें यार, उस्मान साहब आप मैनेज करिएगा, आप ब्रॉड के एडमिन हैं और होस्ट हैं, अभी मेरा टाइम जा रही है। तो ये खातमुन्नबियीन का तर्जुमा सारे हमारे उलमा बाबे बुजुर्ग तमाम यही करते आ रहे थे कि ख़त्म करने वाला नबियों का, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि नहीं, मैं नबी हूँ और मैं ख़त्म करने वाले नबियों का तर्जुमा नहीं मानता। जी मेरा टाइम ख़त्म हुआ। हाँ जी जनाब, आपने आयत पेश की है सूरह अहज़ाब की और उसमें आपने तर्जुमा कर किया कि नबियों को ख़त्म करने वाला, और इसकी दलील आपने ये दी है कि 1400-1500 साल से हम सब यही मानते आ रहे हैं। जनाब अपने दावे पे कोई दलील दें, कोई कुरान से दलील दें, ठीक है, कि कहाँ पे ख़त्म नबूवत साबित हो रही है। यहाँ पे ख़त्म नबीन नबियों का जिक्र है, ख़त्म नबूवत कहाँ से साबित हो रही है। दूसरी बात आपने जो की है कि 1400-1500 साल से हम मानते आ रहे हैं, 1400-1500 साल से कहाँ पर लिखा कुरान करीम में कि ये चीज़ आप लोग मानते आ रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाई है तो वहाँ से कहाँ से साबित करते हैं आपके ये ख़त्म नबूवत का जो है अकीदा शुरू से चलता आ रहा है। ज़रा इसकी जवाब दे देना कि आपने जो ये बात की है कि 1400-1500 साल से हम यही मानते आ रहे हैं, तो आपने ये दलील कहाँ से ली है, कुरान करीम में कहाँ पे ये बयान हुई है? अगर नहीं बयान हुई तो फिर मुझे कुरान करीम से कोई दलील दें अपने दावे के ऊपर, ठीक है, कि खातमा का जो लफ्ज़ है ये बंद करने के मानों में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। खातम का मतलब होता है मोहर, खातम नबीन और नबियों की मोहर है, ठीक है, इसकी मिसालें कुरान करीम में मिलती हैं, लेकिन ख़त्म करने वाला ये नहीं मुझे कहीं भी ये लफ्ज़ मिला ना कुरान करीम में जो इस तरह इस्तेमाल हुआ हो। मिसाल के तौर पे अगर हम सूरतुल बकरा के आयत नंबर 7 पढ़ते हैं, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने मोहर का माना इस्तेमाल किया है। वहाँ पे ये नहीं कि उनके दिल भी ख़त्म हो गए, उनके कान भी ख़त्म हो गए, उसके बाद ना किसी के कान बने हैं ना किसी के दिल बने हैं। हाँ जी, कब बात कर रहे हैं, अपनी दलील दें मुझे इस बात पे कुरान करीम के अंदर से कि ख़त्म ने आपने कहाँ से मतलब लिया है, कुरान करीम में कहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल हुई है कि ये ख़त्म करती है किसी चीज़ को। जी करें बात। जी अल्लाह वाला भाई, आपका टाइम हो गया। जी सर, नहीं मैंने स्टॉप वॉच चलाई हुई है, आप टाइम की फिक्र ना करें, मैं खुद ही टाइम बता दिया करूँगा। उस्मान भाई, अच्छा इनका अभी 15 सेकंड रहते थे तो इन्होंने पहले ही बात ख़त्म कर दी है। अच्छा मैं अब गुफ्तगू शुरू करने लगा। अच्छा गुजारे ये है कि आप कह रहे हैं कि ये ख़ातम नबीन का तर्जुमा जो तुमने किया है कि ख़त्म करने वाला नबियों का, ठीक है, ये तर्जुमा तुमने कहाँ से किया है, और ये तर्जुमा क्या आप इस तर्जुमे को नहीं मानते? अपनी टर्न के अंदर बताइएगा, क्या इस तर्जुमे को आप नहीं मानते कि और ख़त्म करने वाला नबियों का इसका तर्जुमा अगर किया जाए तो क्या ये गलत है? ये नोट कर लें अपनी डायरी के अंदर, तो ये अपने वक्त में आपने मुझे जवाब देना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, भाई कुरान में लिखा हुआ है, कुरान की दलील दे रहा हूँ, कुरान की दलील दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। कुरान की दलील भी अगर आपको समझ नहीं आती तो तफसीर कुरान में पेश कर देता हूँ। चलें, इसी एक बहुत बड़े मुफसिर हैं कुरान के, उन्होंने इसकी तफसीर ये की है कि अला तालम अन्न रब्बर रहीम अल मतफद्दल सुमिया नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन बिगैर इस्तिस्नाइन फफसरहु नबीयुना फी कौलिही ला नबिया बादी बि बयान वादिहिन लितालिबीन। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ की तफसील बयान कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ये नाम रखा है खातम अल-अंबिया का बग़ैर किसी इस्तिस्ना के, और इस खातम अल-नबीयीन की जो तफसीर है ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस कॉल के ज़रिए कर दी है कि ला नबिया बादी, ये बयान वाज़ह है तालिबीन के लिए। तो ये मैंने कुरान की आयत भी पेश कर दी और उसकी तफसीर भी पेश कर दी एक बहुत बड़े मुफस्सिर से, तो क्या आप इस तफसीर को नहीं मानते? क्या जो तर्जुमा मैंने किया था ख़त्म करने वाला नबियों का, तो क्या उसको आप नहीं मानते?
तो आप बताएं कम अज़ कम कि मैं नहीं मानता। ख़त्म करने वाला नबियों का ये तर्जुमा मैंने किया और ये एक तफसीर अरबी की मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इन दोनों के बारे आप क्या कहते हैं तो मुझे बताइए। चलें आपका टाइम शुरू हुआ। जी मुफ्ती साहब, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जो आपने ये आयत पेश की है ख़ातम नबीन की, आप मुझे ये बताएं कि जो आपका तर्जमा है कि नबियों का ख़त्म करने वाला और जो मेरा तर्जमा है कि नबियों की मोहर, मैंने अपने तर्जमे के मुताबिक कुरान करीम से मिसाल दी है आपको। मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि आप अपने तर्जमे के मुताबिक मुझे कोई दलील दें कि देखो वासे साहब, यहाँ पर कुरान करीम में ख़ातमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ये यहाँ पे ख़त्म करने के मानों में आ रहा है। ठीक है, आप तफसीरों की तरफ चले गए हैं। तफसीरें तो पता नहीं कितनी मिल जाती हैं। तफसीर के बारे में किसी खुदा ताला ने ये फरमाया कि मैं इस तफसीर का जो है हिफाजत करने वाला हूँ। तफसीर तो हर इंसान ने अपने जो है वो एक अपने दिमाग से करनी होती है, अपने उसने जो उसका जो अपना एक ओपिनियन होता है वो उसने देना होता है अपनी समझ से। मैं ये नहीं कहता कि तफसीर जो है वो काबिल एहतराम नहीं है, हमारे लिए तफसीर काबिल एहतराम है, हम पढ़ते हैं उन्हें भी, ठीक है, इलम हासिल करते हैं। लेकिन अगर कुरान करीम से आपने बात करनी है तो मुझे कुरान करीम से अपने जो आपका जो दावा है ना, आपने जो दलील दी है अपने दावे पे, उसका आप तर्जमा नहीं साबित कर पा रहे कुरान करीम से। आपने एक दावा पेश किया कि जी देखें जी ख़ातम नबीन की आयत है, ये दलील है और इससे मैं ये दावा करता हूँ कि यहाँ से नबूवत ख़त्म है, ठीक है, मतलब कि ख़ातम नबीन नबियों का ख़त्म करने वाला, कि नबी नहीं आ सकता। आपने मुझे ये, और मैं कहता हूँ कि ख़ातम नबीन का मतलब है नबियों की मोहर, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है कुरान करीम से। और मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे आप अपना पहले तर्जमा साबित करें कुरान करीम से, कि आप जो उस लफ्ज़ का तर्जमा ले रहे हैं वो आप कैसे तर्जमा कर रहे हैं, कहाँ से आपने तर्जमा निकाला है। ठीक है, ख़त्म का मतलब होता है मोहर, आप ख़त्म करने वाला कहाँ से निकाल रहे हैं। बराए मेहरबानी अपना टाइम शुरू करें और मुझे इस चीज़ का ज़रा वजाहत करें। जज़ाकअल्लाह। जी मेरा टाइम शुरू हुआ। गुजारिश यह, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया, मैं दोबारा वही सवाल करता हूँ और अपना टाइम आपको देता हूँ। मुझे बता दें कि जो मैंने तर्जुमा किया है ख़त्म करने वाला नबियों का और जो अरबी तफसीर मैंने पेश की है, क्या वो गलत है, आप उसको मानते हैं या नहीं मानते? दोबारा सवाल मेरा सुन लें, इसको आप मानते हैं तर्जुमे को, उर्दू तर्जुमे को, और जो अरबी तफसीर है इसको मानते हैं या नहीं मानते? मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, बात करें। हाँ जी, 40 सेकंड मुश्किल हो गया बात करना। मुफ्ती साहब, बात यह है कि खाक साहब ने आपको अर्ज़ की है, आपने कुरान करीम से दलील देनी थी, ठीक है, आपने कुरान करीम से दलील दी और उससे जो आप एक फहम ले रहे हैं ना, उस लफ्ज़ से जो आप फहम ले रहे हैं उस लफ्ज़ से, आपने वो कुरान करीम से मुझे बताना है कि देखें ये मैंने फहम इस वजह से लिया है, ठीक है। मैंने आपके मुखालफ जो तर्जुमा पेश किया है ख़ातम नबीन का, कि इसका मतलब है नबियों की मोहर, मैंने उसकी आपको मिसाल दी है, मैं तफसीरों की तरफ नहीं भागा। मैंने कुरान करीम के अंदर रहते हुए अपने तर्जमे के मुताबिक आपको मिसाल दी है कि खुदा ताला कुरान करीम में ख़ातमा का लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके तर्जमे की जो तायीद है वो कुरान करीम से नहीं मिलती, ठीक है। अगर मिलती है तो बराए मेहरबानी मुझे कुरान करीम के अंदर से इस चीज़ की मिसाल दें कि देखो मैंने ख़ातम नबीन का एक अकीदा लिया है, मैंने कुरान करीम से लिया है, इस लफ्ज़ से लिया है, आप उस लफ्ज़ को साबित नहीं कर पा रहे, आप उस लफ्ज़ पर अपना तर्जमा साबित नहीं कर पा रहे, आपने इन तफसीरों से लिया है तर्जमा, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि इन तफसीरों को मानते हो कि नहीं। हम मानते हैं तफसीरों को, काबिल एहतराम है, लेकिन अगर कुरान करीम के मुखालफ को उनकी कोई बात होगी हम उन्हें नहीं मानेंगे। आपने अपना मौकफ जो है कुरान करीम से साबित करना है, ठीक है, आपने मुफस्सरीन से अकीदा नहीं लिया, आपने कुरान करीम से अकीदा लिया। आपने कुरान करीम से मुझे नहीं पता कैसे समझा है कि ख़ातमा का मतलब ये होता है, आपने मुफस्सरीन से नहीं समझा, आपने कुरान करीम से समझा है। और अब आपने कुरान करीम से मिसाल देकर मुझे बताना है कि ख़त्मा का मतलब ख़त्म करने वाला। हाँ जी, करें बात। चलें जी, अच्छा गुजारे ये है कि चलो अब हर चीज़ सामने आ गई है। तर्जुमा ये सुन ले, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 431 के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने ये खुद
तर्जुमा किया है, मैंने अपने तरफ से नहीं किया था, जिसको आप मान नहीं रहे और आपने इनकार कर दिया कि नहीं ये तर्जुमा ठीक नहीं है। वो फरमाते हैं कि और ख़त्म करने वाला नबियों का, ठीक है, और ख़त्म करने वाला नबियों का, ये खातम नबीन का तर्जुमा इन्होंने किया है। तो एक बात, दूसरी बात जो तफसीर मैंने पेश की थी वो तफसीर भी मिर्ज़ा जी की पेश की थी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 है सफ़ा 200 है, हमामतुल बुशरा के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये खातम नबीयीन का की तफसीर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है कि ला नबिया बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये बयान वाज़े वाज़े है तालिबीन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब गुजारा ये है कि अब आ जाते हैं आपके इस तरफ कि आपने जो कहा जी मैं तो ये इस तर्जमे को नहीं मानता, अब ये कि आप क्या बताएंगे इस बारे में कि मिर्ज़ा जी ने तो ये तर्जमा किया खातम नबीयीन का कि ख़त्म करने वाला नबियों का, इन्होंने तो नहीं तर्जमा किया कि खातम नबीयीन का मतलब होता है नबियों की मोहर। आप कहते हैं कि नहीं मैं तर्जमा करता हूँ नबियों की मोहर, जबकि मिर्ज़ा जी तर्जमा करते हैं और ख़त्म करने वाला नबियों का। अब आपकी बात मानी जाएगी कि मिर्ज़ा जी की बात मानी जाएगी, ये भी फैसला करके आपने बताना है, ठीक है जी। दूसरा बात, आपने कहा था जी मुफस्सिरीन, क्या कुरान मुफस्सिरीन से लिया जाता है, तो मिर्ज़ा जी तफसीरें कर रहे हैं, तो ये बात आपने मिर्ज़ा जी को क्यों नहीं बताई कि मिर्ज़ा जी तफसीरें ना लिखो, इस आयत सूरह अहज़ाब आयत 40 की तफसीर ना लिखो, कि क्योंकि जो इस्लाम है वो तफसीरों से नहीं चलता, वो तो अपनी राय से चलता है, ठीक है। ये मिर्ज़ा जी को भी आपने बताना था, तो मेरे सवालों के जवाब भी दिया करें, मेरा टाइम ख़त्म हुआ। अगर तो आपने ये अपना अकीदा किसी मुफस्सर से लिया है या ख़ुद मिर्ज़ा साहब से लिया है, तो फिर हमें बताएं कि मैंने मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ के इलम हासिल किया है, मैंने वहाँ से अपना अकीदा लिया और मेरा अकीदा अटल है, ठीक है, फिर मैं आपसे कोई इस बारे में ना बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने कुरान करीम से अकीदा लिया, तो फिर आप कुरान करीम के ऊपर जो बहतान बांध रहे हैं ना, आपने वो धोना है। और दूसरी बात, जो आपने हवाला पेश किया है, यकीन जाने मुझे पता था आपने वहीं पर जाना, और मैंने सब उस पहले से ही खोल कर रखा हुआ अपने सामने। अब बराए मेहरबानी अपने वक्त के अंदर आपने उस हवाले की अगली दो लाइनें भी पढ़ के नाज़रीन को सुनानी है कि वहाँ पे मिर्ज़ा साहब जिनकी मैंने बात माननी है, आपके बकौल जिनकी आपने बात माननी है, वो लफ्ज़ खातम नबीन की ये तफसीर कर रहे हैं। और फिर थोड़ी सी माजरत करिएगा कि मैं पूरी बात करना जो है मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैं दोबारा पूरी बात करता हूँ, और वो पूरा वहाँ से अकीदा पढ़ के नाज़रीन को बताइएगा, और फिर ये भी बताइएगा मैं इस अकीदे पर मार रखता हूँ, ठीक है। जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पे तफसीर की है खातम नबीन की, आपने वहाँ से अकीदा लिया, अब आपने अपने वक्त में वो किताब खोलनी है, वहाँ से बताना है कि मेरा ये अकीदा है जो मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे लिखा है और मैं इसी को मानता हूँ, और पूरा अकीदा पढ़ के बताना है, आधी बचेदी बात नहीं करनी। और अगर आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो फिर बराए मेहरबानी कुरान से ना भागें। मेरी पहली टर्म का सवाल है कि आपने जो तर्जमा खातम नबीन से लिया है, उसकी दलील कोई कुरान करीम से दें, किताबों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। अगर आपने ये तर्जमा जो है मिर्ज़ा साहब से लिया है, ये अकीदा मिर्ज़ा साहब से लिया है, तो जो उन्होंने अकीदा पूरा बयान किया है ना 4-5 सत्रों में, वो सारी सत्रें पढ़ें और हमें बताएँ कि आपका ये अकीदा है जो मिर्ज़ा साहब वहाँ बयान कर रहे हैं, ठीक है, मेहरबानी होगी, बताएँ। टाइम ख़त्म हुआ मेरा जी, टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये मैंने हवाला पेश किया था, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है और सफ़ा 431 है, ये हाईलाइट इबारत। आप कह रहे हैं दो लाइनें आगे पढ़ के सुनाएं, ठीक है जी, दो लाइनें आगे मैं क्या, आप जितना कहेंगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं ये 21 नंबर 21 आयत, ये है माँ काना मोहम्मद रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम नबीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है, मगर वो रसूलुल्लाह है और खातम और ख़त्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा, कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये आयत बता रही है कि कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा, बस इससे भी बकमाल वजाहत साबित है कि मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह दुनिया में आ नहीं सकता। मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह दुनिया में आ नहीं सकता,
और ख़ुद मिर्ज़ा जी ने भी कह दिया कि मैं मसीह इब्ने मरियम हूँ। अच्छा, क्योंकि मसीह इब्ने मरियम रसूलल्लाह है और रसूल की हकीकत और माहियत भी ये अमर दाखिल है कि दुनियावी उलूम को बज़रिया जबरील हासिल करे, और अभी साबित हो चुका है कि अब वही रसालत ताबा क़ियामत मुनक़ता है। वही रसालत ताबा क़ियामत मुनक़ता है, ताबा क़ियामत मुनक़ता है। जबकि मिर्ज़ा जी की वो तज़किरा इतनी मोटी मेरे पास रखी हुई है, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ। वो तो कहते हैं वही मेरे ऊपर जारी है, बार बार वही आ रही है, पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया, ओला तोपा या तोपा, आई लव यू, हाँ जी, दो तर की शीशी, एक दो सर एक तर की शीशी, हाँ जी, वही तो जारी है। ठीक है, मेरा टाइम ख़त्म हुआ, आगे बात करें। हाँ जी मुफ्ती साहब, आपने ये चीज़ तो बयान कर दी है कि उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी मुसलम के बाद कोई रसूल नहीं आ सकता। बराए मेहरबानी वो चीज़ भी पढ़ के बताएं कि जहाँ वो हुजूर ये फरमा रहे हैं कि उनकी पैरवी में, उनकी इत्तेबा में, उनकी कामिल अतात करके नबी आ सकता है, वो भी लोगों को बताएँ। और ये चीज़ भी बताएँ कि मैं वो भी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि खातम नबीन की तफसीर वो इस तरह कर रहे हैं। आधी पचदी बात ना बयान करें, आपने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और हमें बताएं कि पूरी जो तफसीर है वो यहाँ पे लिखी हुई है, उनकी किताबों के अंदर से ये तफसीर मिलती है कि खात्मा नबीन से मुराद ऐसा नबी नहीं आ सकता जो शरीयत लेकर आए, ठीक है, लेकिन ऐसा नबी जो उनकी पैरवी में, उनकी तबाह में खुदा तला बनाए, वो आ सकता है। ठीक है, ये पूरी चीज़ बयान करें जो हुजूर ने अब तफसीर अपनी किताबों में लिखी है, जो उनका दावा है। ठीक है, आधी पचदी बात ना बयान किया करें मुफ्ती साहब। ठीक है, और अब मेरा वही सवाल है कि आप कुरान करीम के अंदर से खातम नबीन का सबूत पेश करें। अगर आपने किताबों से आधी पचदी बात बयान करनी है तो ये चीज़ ना करें, पूरी बात बताएं कि खातम नबीन की तफसीर ये है कि कोई भी ऐसा नबी नहीं आ सकता जो शरीयत लेकर आए, लेकिन नबी अकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, उनकी कामल अतात करने से नबी आ सकता है, ये तफसीर है मिर्ज़ा साहब की। ठीक है, तो अब मेरा सवाल वहीं पर है कि कुरान करीम के अंदर से खातम नबीन का कोई सबूत पेश करें, आपका जो तर्जमा है कि नबी को ख़त्म करने वाला, उसका सबूत पेश करें। ठीक है, ये चौथी टर्म पाँचवीं टर्म में आपकी ज़रा पेश करें सबूत उस चीज़ का, जज़ाकअल्लाह करें बात। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि इतबा करने से नबी और रसूल आ सकता है, ये कुरान से कहाँ पे लिखा है ये आपने बताना है, लिख लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इतबा करने से नबी और रसूल आ सकता है या बन सकता है, ये कुरान से आपने साबित करना है। अगली बात ये कि अगला सवाल ये कि आपने कहा जी शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता, बग़ैर शरीयत वाला नबी आ सकता है, ये भी आप लिखें। ये कुरान से साबित करना है अपना ये दावा कि शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता बल्कि बग़ैर शरीयत वाला आ सकता है। अगली बात ये है कि मिर्ज़ा साहब को अगर आप कहते हैं कि वो शरीयत लेके नहीं आए, तो ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वो शरीयत वाले नबी तो नहीं है लेकिन गैर शरीयत वाले हैं, तो ये आपने लाजमी बताना है। ये मैंने दोनों चीज़ें लिख ली हैं आपकी, ये आपका दावा है असल में, तो दावा बग़ैर दलील के कल मादूम होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मतलब ये कि इतबा करने के बाद तो वो नबी बन सकता है, अल्लाह रसूल की इतबा करने के बाद, ये कुरान में या हदीस में कहीं पर भी हो, ये आपने बताना है। और जनाब नई शरीयत ले के कोई नबी नहीं आएगा, बग़ैर शरीयत लाए नबी रसूल आ सकते हैं। और साथ आपने ये भी थोड़ा सा मेहरबानी बताना है कि वो एक आएगा या एक से ज़्यादा भी, ठीक है, कि वो सिर्फ एक ही आना है या इससे ज़्यादा भी, ये भी आपने बताना है। ये चीज़ें लिखें, नोट करें, मैंने पिछली भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका एक जवाब नहीं मिला, तो आप अपनी टर्न के अंदर जवाब नहीं देते और मज़ीद जनाब सवालात आप कायम किए जाते हैं, और अभी तक आपने कोई एक भी हवाला नहीं दिया। टाइम शुरू हुआ। कि
दलील के बगैर दावा कोई अहमियत नहीं रखता, ठीक है। और आपने अपनी दलील तो मुझे बताई नहीं अपने ख़त्म नबूवत पर। मैं तो पहली टर्म से सवाल करता जा रहा हूँ कि अपनी दलील दें, दलील दें, दलील दें। इस तरह तो मैं कुरान करीम का कोई भी लफ्ज़ उठा के कह दूँ जी इस पर इससे ख़त्म नबूवत साबित हो रही है, तो आप मान लेंगे? यकीनन आप मुझसे ये चीज़ पूछेंगे कि इस लफ्ज़ से तुम कैसे तर्जमा ले रहे हो, कुरान करीम से साबित करो मुझे। आपने सिर्फ एक लफ्ज़ उठाया, मेरे सामने रख दिया जी कि यहाँ से ख़त्म नबूवत साबित हो। कैसे साबित हो गई? साबित करो, साबित होगी ना जनाब। आपके अपने अल्फाज हैं कि दलील के बगैर दावा कोई अहमियत नहीं रखता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि फ़लाँ लफ्ज़ कुरान करीम में लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि इजराए नबूवत है, इजराए नबूवत है, नबूवत जारी है, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आप मुझसे पूछेंगे कि तुमने कुरान करीम के इस लफ्ज़ का तर्जमा कैसे लिया है, कहाँ से लिया है, और वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने एक एक जवाब भी नहीं दिया उस पर। मुझे 4-5 टर्म में आपकी गुजर गई हैं, मैंने आपसे एक ही सवाल किया तब से, खातम नबीन जहां से आप तो तर्जमा लेते हैं कि नबियों का ख़त्म करने वाला, कैसे लेते हैं ये तर्जमा? मैं कहता हूं कि उसका तर्जमा है नबियों की मोहर, जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 7 से वाजे हो रहा है। वहां पर आप क्या तर्जमा, अगर आपका तर्जमा करें ये तो ज्यादती हो जाएगी जी, कि दिल भी बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कान भी ख़त्म हो गए हैं। तो बराए मेहरबानी पहले अपनी जो दलील है ना वो दें, आपके अपने अल्फाज के मुताबिक, कि दावे के बगैर, दावा दलील के बगैर कोई अहमियत नहीं रखता। तो आपका जो दावा है ना ख़त्म नबूवत, वो अभी तक कोई अहमियत का हमल नहीं है। पहले उसकी दलील दें मुझे जनाब, करें बात जी। अच्छा, गुजारिश यह कि मेरे सवालों के जवाब आपने नहीं दिए, और पहले भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, और मेरे सवालों को आप खा पी जाते हैं और मज़ीद आगे से सवालत कायम किए जाते हैं। इस तरीके से बात होगी तो फिर तो कोई भी फ़ायदा ना हुआ। अभी तक कोई आपने हवाला दिया हो, कोई कुरान की आयत पेश की हो, कोई हदीस पेश की हो अपने दावे के ऊपर कि नबूवत ख़त्म हो गई है, या हम ऐसा ही मोहर मानते हैं कि मज़ीद मोहरें लग लग के नबी आ रहे हैं। खातम का तर्जुमा अगर मोहर कर लिया जाए तो हमारे नज़दीक मोहर से मुराद वो वाली मोहर है कि सील बंद, जब किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, अंजाम तक पहुँचा दिया जाता है, तो उसके ऊपर बाद में सील लगती है कि भाई अब तमाम हो चुकी है, ये चीज़ कामिल हो चुकी है। समझ आई कि नहीं? हमारे नज़दीक ही वो है। जबकि मिर्ज़ा जी तो वो ख़त्म खातम नबीन का तर्जुमा ये कर ही नहीं रहे, मैंने हवाला आपको दिया है। आप कह रहे हैं जी नबियों की मोहर, नबियों की मोहर, नबियों की मोहर, बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं। और मिर्जा जी की तो मान ले, मारी नहीं मानी, ना मानो यार, ना मानो। मैं आपको 100 हवाला दे सकता हूँ कि खातम नबीन का मतलब होता है आखिरी नबी, आपने माने ही नहीं है। ओ भाई नहीं मानना, मिर्जा जी की तो मान लो, वो कहते हैं रूहानी खजैन जिल्द 3 सफा 431 के ऊपर के ख़त्म करने वाला नबियों का। आपने कहा जी, क्या आपने मिर्जा जी से ये कीदा लिया? जी मैं कहता हूँ मैंने मिर्जा का यानी कि इस अकीदे से कीदा लिया है। जय मैंने रूहानी खजैन जिल्द 7 सफा 200 से कीदा लिया है कि मिर्जा का यानी कहता है कि खाता मन नबीजीन की तफसीर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के कर दी है कि ला नबी आबादी। हाँ मैंने मिर्जा का यानी से कीदा लिया है। जवाब भी तो देना कम अज़ कम, आप मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, उसको खा पी जाते हैं आप, कमाल करते हैं आप, कैसी डिबेट कर रहे हैं जनाब आप? ऐसा ना करें, आपका फिर अभी टाइम शुरू हो रहा है, मेरे सवालों के जवाब भी तो दिया करें ना, किसी एक चीज़ का जवाब नहीं आपने दिया। चलें, हाँ जी, बड़ा ही ना मुझे कोई अजीब मामला लग रहा है मियाँ मुफ्ती साहब आपका। पहली बात आपने की कि मेरे सवाल खा पी जाते हैं, आप तो कुरान की आयत खा गए हैं, लफ्ज़ पेश करके आप दोबारा उस लफ्ज़ पर गए ही नहीं, हाँ उसका मफहूम ही खा गए हैं। दूसरी बात आपने की कि आयत पेश नहीं की, और जनाबे वाला आप, मैंने जो तर्जमा लिया है ना खातम नबीन नबियों की मोहर का, मैंने उसकी आयत पेश की है सूरतुल बकरा आयत नंबर 7, ठीक है, झूठ ना बांधे मेरे पर। तीसरी बात आपने की है कि मेरा दावा ख़त्म नबूवत का जनाब बुंदल गए हैं, मैंने दावा किया नहीं ख़त्म नबूवत का, ये तो आपका दावा है, आपने दलील देनी है। चौथी बात आपने की कि सील बंद मोहर लेते हैं जी, सील बंद मोहर, ठीक है, ये हम मोहर का मुराद लेते हैं। और जनाबे वाला जो एक बादशाह की मोहर होती है ना, वो ऐसी होती है कि जब उसका गुलाम कहीं जाता है,
उसका दस्तावेज़, उसकी जो मोहर अपने साथ लेके जाता है, इससे पता चलता है कि ये फलां बादशाह की तरफ से आया है, ये उसका गुलाम है, उसका भेजा हुआ है। और आप जो नारा मारते हैं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार, ताजदार का मतलब आता है आपको, मतलब कि बादशाह, ताज वाला, ठीक है, नारे बादशाह के। और सुम्मा नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला, सील बंद जो आप वो उसकी पता नहीं कोई क्या कह रहे हैं कि ताले के ऊपर मोहर लगा दो सील बंद हो जाता है, ये किस तरह की आपकी ये जो दोगली दोगली बातें हैं कि मानते आप उन्हें बादशाह हैं और मोहर आप बादशाह बादशाहों वाली नहीं डाकखाने वाली लेते हैं, ये क्या चक्कर है? नारे खत्म नबीन ताजदार खत्म नबूवत के बादशाह है मानते हैं उन्हें, और जो आप उनकी मोहर देते हैं उन्हें वो आप डाकखाने वाले देते हैं, ये कैसे, ये क्या मामला है मुफ्ती साहब? ये चार सवाल है मेरे, जरा जवाब दें इन चीज़ों का। जज़ाकअल्लाह, करें बात। मेरे सवाल का फिर नहीं जवाब दिया आपने। आपने कहा जी इतबा की जाए तो फिर नबी और रसूल बनता है, इसका कोई जवाब नहीं। आपने कहा जी नई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा, बगैर शरीयत वाला आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। कोई कुरान और हदीस से आपने कोई हवाला नहीं दिया। आज आके सूरह बकरा की आयत 7 आपने पेश की जिसके अंदर है ख़तम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, यहाँ पर तो ख़तमा है, ख़तम नबीयीन तो नहीं है, खातमा फेल है, खातम नबीयीन मुरक्कब इजाफी है, खातम इसम है, इसमें फ़ाइल है, मुजाफ है अन नबीयीन मुजाफ लई है, मुजाफ मुजाफ लई मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ, खातमा फेल माजी मरू सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, कहाँ कींट कहीं का रोड़ा, बांत मती न कुंबा जोड़ा, सही वही अद्धा तितर अद्धा बटेर, सही है तुहाड़ी कादियानिया की मंतिक, खिचा त्रुइयां करो, खिचा त्रुइयां करो मिर्जा जी, किसी तरीके सच्चे साबित हो जाए, होने को नहीं, अल्लाह खैर किया, क्योंकि साढ़े मौलवियों के ढाई चढ़ गए ने। ओ भाई जी मिर्जा जी फरमा रहे हैं, मिर्जा जी कर रहे हैं रूहानी गज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 431 सूरह अहज़ाब आयत 40 का तर्जमा, ख़त्म करने वाला नबियों का। मिर्जा जी ने तो नहीं तर्जमा किया यहाँ पर, मिर्जा साहब के नबियों की मोर। ओ भाई तो मैं तुम्हारी बात मानूँ, मिर्जे का देने की बात मानूँ, बताओ मुरब्बी जी, या तो कहो नहीं भाई मिर्जे की बात ना मानो, मेरी बात मानो, हद हो गई है। फिर मैंने रूहानी गज़ैन जिल्द 7 सफ़ा 200 पेश की है, तफसीर भी पेश की है, मिर्जा कादियानी कहते हैं अल्लाह के नबी ने ला नबी आबाद ही कह के इस आयत की तफसीर कर दी है कि उनके पास कोई नबी नहीं है। ओ भाई जो आप ही तो दे, आप जो आप ही नहीं दे रहे किसी चीज़ का, और अपना कीदा फिर कुरान से साबित ही नहीं कर रहे आप, ऊपर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। एक दलील आपने दी है और उसकी मैंने टीका बोटी एक कर दी है, सूरह बकरा की आयत 7। ठीक है, हो गया, चले। हाँ जी जनाब मुफ्ती साहब, लोगों को ना ग्रामर के पीछे लगा के ना बहकाए ना, ठीक है। माइक बंद करें अपना, कहाँ माइक बंद करें, मेरा टाइम यहाँ रुका हुआ, माइक बंद करें फिर टाइम चलाऊंगा अपना, मैं माइक बंद करें तो मैं अपना वक्त शुरू करूंगा। हाँ जी, मेरा वक्त दोबारा शुरू हो रहा है जनाब वाला। पहली मेरा सवाल पहली टर्म से चलता आ रहा है कि आपने खातम नबीयीन का तर्जमा कहीं से पेश नहीं किया, इनकार करे जा रहे हैं। मैं जी इस चीज़ का भी इनकार करता हूँ, इस चीज़ का भी इनकार करता हूँ, लेकिन मुझे पता किसी चीज़ का नहीं है, मैं कोई दलील नहीं दे सकता, लेकिन मैं इनकार हर चीज़ का कर दूंगा, लेकिन मैं अपने दावे पे दलील नहीं साबित कर सकता, ठीक है। दूसरा बात आपने पहली टर्म में की थी जी कि मैंने मिर्जा साहब से अकीदा लिया है, तो जनाब हमें तो पता है आपने मिर्जा साहब की किताबें पढ़ पढ़ के सारा इल्म हासिल किया है, हमें तो पता है इस बात का, कुरान के साथ आपका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, अगर होता तो बात करते कुरान से, ठीक है। तीसरी बात आपने की जनाब कि इतबा से नबी की दलील दें, और जनाबे वाला आप अपनी दलील तो पेश करें कि जहाँ से ख़त्म नबूवत हो रही है, जब ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फिर मेरी दलील के वहाँ पे क्या मायने रखती है? अपनी दलील तो साबित करें ना कि मैं दलील देता जाऊँ देता जाऊँ देता जाऊँ, आप उसके पीछे छुपते जाएँ छुपते जाएँ, ऐसे नहीं जनाब, अपनी दलील दें, ख़त्म नबीन का लफ़ साबित करें कुरान करीम से, हे जी तू ये फलां आज दी है मैं उस रद्द करता, आज का रद्द नहीं होंगे जनाब, तुहाडे जिहड़े अकायद ने ना उन्हां दा रद्द होंगे, आज का रद्द नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो सवाए इनकार तो जी कोई होर शाय आती है ना तो वह भी लोगों को करके दिखाओ, लोगों लोगों को बताएं कि मैंने ये इनकार किया है, उसके बदले में मेरा दावा ये है और इसकी दलील ये है। सिर्फ इनकार करने से ना आप सच्चे साबित नहीं होते।
ठीक है। और आखिरी बात आपने की कि मौलवियों के ढाई चढ़ गए ने मिर्जा साहब, वो सच्चे साबित नहीं होते। मौलवी जो ना रसूल अकरम के ढाई चढ़े सी, उन्होंने पेशगोई की सी कि उस टाइम के जो मौलवी होंगे ना वो सूरां के मुताबिक होंगे। ठीक है ठीक है। तो जो ढाई टोए वाली गल ना ये ना करो, मेरे ना सीधी सीधी गल करो। खातमन नबीन मेरा पहले टर्म से सवाल चलता आ रहा है कि इसका जो तर्जमा आपने लिया है वो कुरान करीम साबित करें। जज़ाकअल्लाह, करें बात। आन भाई माजरत से, वो मैंने एक ना स्कैन भेजा रहा है निजात में, वो तो यहाँ लगा दें जरा, ये जो मोर का तर्जमा कर देना जरा, आप बात जारी रखे। मैंने अच्छा मतलब कि मुफ्ती साहब कल नहीं मैंने है इतने घेर सकते, तो अमन नजीर साहब अपने सतेले भाई तो तेले आ रहे ने फिर है मदद चुप करके बैठे रहो एवं जान के मुखातब नहीं किया। जनाब मेरा टाइम है ना भाई, भाई मेरा टाइम है ना भाई, मेरा टाइम है ना। आप करें बात करें, आप क्यों बीच में तकलीफ, आपको किस चीज की हो रही है? मेरा टाइम है ना, मैं अभी शुरू टाइम गाल करो, गाल करो भाई, माइक म्यूट करें ना, आपको किस चीज की तकलीफ है? हद हो गई है, पहले आपने 15 सेकंड छुड़वाए थे ना तो मैंने कोई बात नहीं की। बंदे थे बच्चे बनो, मैं टाइम अभी शुरू कर रहा हूँ अपना, मेरा टाइम है भाई, मेरे टाइम में जो मर्जी बोले, में आप अपने टाइम में जो मर्जी कहिएगा, कमाल हो गई है। और अमन नजीर साहब वो लगे हुए हैं होस्ट से, तो ला लियो टाइम शुरू करो, माइक म्यूट रखो, मैं टाइम अब दोबारा शुरू करना, मैं टाइम शुरू कर दिया हुआ था, अब दोबारा शुरू करने लगो, मैं फिर कहना बंदे थे बच्चे बनो, टाइम मेरा शुरू हो गया है, मैं 2 मिनट गप्पा मारदा ना तुहानू, कहदा कादी तकलीफ है तुहानू, मेरे टाइम दे विच पूरी ब्राड बोल ले, तुहानू कादी तकलीफ है, हद हो गई है। मेरे किसी एक सवाल का जवाब आपने दिए को नहीं है, और अकीदे पे अकीदा पेश किए जा रहे हैं जनाब, इतबा करने से अल्लाह नबी की इतबा करने से रसूल आ सकता है, कुरान की कड़ी आयत लिखी है, दसो दसो ना, जवाब दियो, नहीं वो शरीयत नहीं, शरीयत नहीं लेके आएगा, पुरानी शरीयत है, तुहाडे मिर्ज़ा जी खुद कहते मैं साहब शरीयत नबी हाँ, रूहानी खजैन जिल्द 17 सफा 435 और 436 हवाला नोट करें, मिर्जा कादियानी नहीं कहता मैं नई शरीयत लेके आया हूँ, मैं साहब शरीयत नबी हूँ, मेरी वही के अंदर अमर भी होता है नहीं भी होता है, और जिसकी वही के अंदर अमर भी हो नहीं भी हो वो साहब शरीयत नबी होता है। वो किसी एक चीज़ का जवाब ही तो दो, कुरान की आयत मैंने पेश की थी सूरह अहज़ाब आयत 40, उसका तर्जुमा मैंने मिर्ज़ा कादियानी की किताब से पेश किया था, उसका आपने इनकार ही कर दिया, ये ख़त्म करने वाला नबियों का तर्जुमा गलत है। मैंने जब आपको असल आईना दिखाया तो अब आप तड़फना शुरू हो गए, ये तर्जुमा गलत है कि तो मिर्ज़ा कादियानी ने यह तर्जुमा गलत किया है, बताएं जवाब दें। फिर मैंने तफसीर पेश की है रूहानी गज़ैन जिल्द 7 सफ़ा 200 की, मिर्ज़ा कादियानी कहते अल्लाह के नबी ने ला नबी ना बाद ही कह के खुद इस आयत की तफसीर कर दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, आप कह रहे ये तफसीर भी पता नहीं, नहीं मैं इसको मानता, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा है, वो किसी चीज़ को मनो तो सही कहा दिया नहीं मुरब्बी जी, हद हो गई है। अपना टाइम जब आता है आप खा पी जाते हैं, इधर उधर 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 की बातें करके निकल जाते हैं, और रही बात मेरे टाइम के अंदर कोई भी बोले आप नहीं बीच में कुछ कहेंगे, अपने टाइम में जो मर्जी करिएगा, हद हो गई है हमारे। चलो मेरा टाइम खत्म हुआ। अल्लाह अकबर मुफ्ती साहब, अल्लाह मुझसे गल ये वे साड़ी गल शुरू हुई थी कि मुफ्ती साहब जिहड़े ने मुकर्रम मोहतरम कुरान करीम तो खत्म नबूवत साबित करनगे। चलो मैं उर्दू में बात करता हूँ। मुफ्ती साहब ने दलील दी कि देखें जी खातम नबीन से साबित हुआ कि नबियों का ख़त्म करने वाला, और मज़े की बात है इलम वो भी आपने मिर्ज़ा साहब से हासिल किया, ठीक है, जिन्हें पे आपने कुफर के फतवे लगाए, आपने कुरान करीम से कोई उसका सबूत पेश नहीं किया, ठीक है। अगर आपके पास कुरान करीम का फहम होता आप मेरा मुंह वहीं बंद करवा देते कि जनाबे वासे साहब खातमन नबीन नबियों का ख़त्म करने वाला, यहाँ पे खातम यहाँ इस्तेमाल हुआ है
यहाँ पे खत्म, यहाँ इस्तेमाल साहब हर जगह पे खत्मा का लफ्ज खत्म करने वाला मायने दे रहा है। ठीक है, जो आपने मोहर की बात बयान की कि जी हम तो मोहर ये लेते हैं कि जहाँ पे मोहर लगा दी जाए सील बंद हो जाता है, तो मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि दावे तो आपके ताजदार खत्म नबूत के हैं, ताजदार खत्म नबूत, ताजदार खत्म नबूत कि बादशाह ताज वाला, और उस बादशाह को आप नाउजबिला मोहर जो है वो दाखाने की दे रहे हैं जनाबे वाला। ठीक है, तो जनाब कुरान करीम से तर्जमा साबित कर रहे हैं अपना। ठीक है, जो आपने दावा किया ना खत्म नबूत का, कुरान करीम से तर्जमा साबित करें। ठीक है, जब आप ये कुरान करीम की जो ये खत्म नबूत का जो रास्ता ये बंद करेंगे ना, नबूत का रास्ता, उसके बाद मैं दलील लेके से खोलूंगा, लेकिन पहले बात यह है कि आपने ख़त्म करना है, बंद करना दरवाज़ा, उसके बाद में मुझे मुझे ज़रूरत होगी अपनी दलील देने की। पहले आपने जो दावा किया उस पर दलील दें, आपका दावा बेबुनियाद है, दलील के मुताबिक। चलो बस 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 कर, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, ज़्यादा नहीं टाइम तुम्हें देना। चले करो बात कर, चले। नहीं ये सूरों वाली आवाज़ बाद में देना, अभी मेरा टाइम फिर हो गया। अच्छा रही बात, तुमने कहा जी मौलवी सूअर बंदर होंगे, वो हदीस मुझे दिखाना ज़रा, ये नोट करो। और अब ये आ जाते हैं, ये तुम्हारा खुद जो है ना वो खलीफा कह रहा है बशीरुद्दीन महमूद खलीफा जानी, जिसने अपने बेटी के साथ जना किया था, वो अल फजल अखबार जिल्द 22 सफ़ा 89 सफ़ा 8 के ऊपर मोरखा 24 जनवरी 1935 के अंदर वो कहता है ये कादियानी मर्दई सूर हैं, बंदर हैं। ठीक है, और मिर्जा जी ने भी अपनी वो किताब में लिखा हुआ है कि कादियानी जो है ना ये बंदर और सूर हैं, हवाले मैंने आपको दे दिए। अच्छा अगली बात, कुरान का तर्जमा कुरान से साबित करो कि आखिरी नबी कुरान से साबित करो, तो मिर्जा कादियानी ने एक तू साबित किया है रूहानी खजान जिल्द 3 सफ़ा 431 के अंदर जो खातम नबीन का उसने तर्जमा किया है, ख़त्म करने वाला नबियों का, तो ये सवाल इससे नहीं होगा क्या? और तुम लोगों ने नहीं मिर्जा से पूछा कि मिर्जा कादियानी कुरान से साबित कर। दस ना मुरबी, मुरबी फंस गया भाई, बड़ा बुरा फंस गया मुरबी। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया ना, ये ख़त्म करने वाला नबियों का तर्जमा ही गलत है। पुत्र जान नहीं छुटनी, जान नहीं छुटनी, यह तर्जमा गलत थोड़ा मिर्जा कादियानी ने किया है, जो कहना मैं नबियां रसूल हाँ, मसीह मऊ साहब हम मानते हैं, आपको मानते हैं मसीह जी, हम आपको तो मानते हैं, आपकी एक नहीं मानते। हाँ जी मसीह साहब हम मानते हैं आपकी आपको, लेकिन थोड़ी एक नहीं जमन नहीं असर। वो मिर्जा कादियानी कह रहा है कि खातम नबीन का तर्जमा होता है ख़त्म करने वाला नबियों का, आप कह रहे हैं नहीं मोर 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 मोर। मिर्जा कादियानी से पता कुरान का तर्जमे की ने, दसो ना, जवाब दियो ना। वो कुरान की तफसीर कर रहा है, वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने ला नबी आबाद ही करके इस आयत की तफसीर बयान कर दी है, अल्लाह के नबी ने तफसीर बयान की, अल्लाह के नबी ने। हो गया टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, जवाब ही दे आ जाए, गप्पा ना मारियो। बंदे देख रहे ने थले, 50 बंदे देख रहे ने, मुफ्ती नु कुरान तो एक गल नहीं आई, इन्हें सवाए खातमा नबीन दे लफ्ज तो कोई कुरान तो गल कीती होवे ना। ए मेरा टाइम इथे खड़ो गया जे, ते माइक म्यूट करोगे तो फिर टाइम शुरू करना, तो हां मेरा माइक म्यूट कर पाया। वाह वाह, म्यूट करो अपना। वाह जी वाह, वाह वाह, माइक म्यूट कर अपना, जे जरूरत है ना जवाब लेने दी, जरूरत है वे, जे जरूरत है माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, मैं तुम्हें देना जवाब, माइक म्यूट कर। जे जरूरत नहीं है तो कह दे मेरे अंदर इना हौसला नहीं है, मेरे टटे जिना इना जरा आसान नहीं है तो मैं गल छड़ना, कह दे मैं टुट जाना। जे जरूरत है ना जवाब लेने, तो माइक म्यूट कर अपना, कर माइक म्यूट, इन्हें जो कही सी बस, तेनू पता लग गया मैं पुठी गल कर बैठा, इन्हें मेरे बिचों लंघना हूं एक बार। ठीक है, जे तू जानी वाली गल की है ना, जे तू जानी वाली गल की है, अपने कदम मदरसा के नज़र दौड़ाई हो ना, तो तू कितों भी यह चीज़ साबित नहीं कर सकता कि तेरी माँ के नाल कि जना ना होया हो, तू बल जना ना हो, जिस हिसाब ना जना जना होंगे ने तुहाडे मदरसों के। ठीक है, तेनों ये साबित करना पैना वे कि तेरी माँ के नाल जना नहीं होया। ठीक है, तो तू जरा वे हलाल का छोरा वे, तेरिया हरकत लगदिया नहीं वैसे हलाल वाली। ठीक है, तो इतने मैं तकरीबन अद्धा घंटा बैठा वा, जे इस मुफ्ती ने कोई एक भी गल कुरान तो की हो तो मैं दस दौ। ठीक है, तो दूजी गल चौधरी, पहला यह हूं साबित कर के तू हलाल का छोर है, पढ़िया तू मदरसा दें। ठीक है, तो तू वल तो जना ना होवें,
मैं नहीं मान सकता। पहला यह साबित कर, मोहम्मद थले देख रहा बदतमीजी से परहेज करे, अपने अबू नू आह बदतमीजी से परहेज करे। तो जी गल करता ना, मैंने मिर्जा साहब से किदा लिया है, तो मिर्जा साहब को अपना अबू मान ले फिर, ठीक है। हूँ जो कुरान तो की गल करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं इतने ना अपनी जबान होर मजीद गंदी नहीं कर। चल भाई टाइम टाइम खत्म, टाइम खत्म, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, तेरी चुप कर, चुप कर, टाइम टाइम खत्म हो गया, चुप कर, चुप कर। अच्छा चलो भाई टाइम शुरू। ए उस्मान माइक ना म्यूट करी, हुन मेरा समझ आ रही है। ओए चुप कर, तेनु लितर ओए लितर ले आई ओए, ओ जरा पॉलिश कीता रखे मैं उरा ले आई, इथे ले आ रहा कोरा ते, मैं टाइम दोबारा शुरू करन लगा। कुरान तो दलील दे। ओए ते चुप कर जा तेरी, आ हुन अब्बू दा माइक नहीं म्यूट ला, कुरान तो दलील दे, चुप कर जा टाइम पूरा, कुरान तो दलील दे, चुप करो उस्मान साहब, चुप करो, ओए चुप कर जा तेरी, ओए लितर ले, जदों सारे ले आया माइक म्यूट कर, तुसा उदों नहीं माइक म्यूट करवाया, ओए सारे लितर ही ले आया, सारे ले आया। एडमिन बनाओ, माइक म्यूट कर सकिए, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵਿੱਚ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਬੋਲੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚੱਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਤਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਓਏ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਦੱਸ ਅੜੀ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੜ ਗਏ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਕੱਲੀ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੋਰਖਾ 31 ਅਗਸਤ 1938 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਦੀ 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 ਬਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋ ਜ਼ਾਨੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੁਤਫਾ ਰਾਮ ਹੋ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਾਨੀ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਨੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੁਤਫਾ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰੱਬੀ ਉੱਥੋਂ ਬਕਵਾਸ ਆ ਗਏ ਹੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਠਹਿਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂ ਹੈਂ ਔਰ ਹੱਸਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਸੀਹ ਮਊਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ 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 ਜ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਸੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸੇ ਨੂੰ ਲਵੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਵੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਦੌੜ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਧਰ ਹੀ ਹੈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਚਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ
चल भाई कलो। मुफ्ती साहब क्या हाल है? मौला बस आया उस्ताद जी, मौला बस जी, अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये मुफ्ती साहब मेरा कोई सवाल भी नहीं है ना, जी जी डिबेट करनी है। जी जी मैंने आपको गिफ्टिंग किया और ये काशिफ चौधरी मेरा शुक्रिया अदा करे। गिफ्टिंग की है कि मिर्ज़े कादियानी को आज जलील हमने किया है इस खुशी में। चलो जी आप बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जी, आपने मिर्ज़ा कादियानी जानी साबित हो गया उसकी खुशी में आपने मुझे गिफ्टिंग की है। चलो आज आप भी मान गए हैं कि चलो जी बाकी मिर्ज़ा कादियानी जानी था। बहुत शुक्रिया जनाब मौला बस साहब मुरबी जी, आपने एक दिन कहा था कि जो मुझे गिफ्टिंग करे। जी मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर देता हूं। मैं शुक्रिया मैं खुद कर रहा हूं शुक्रिया अदा। चलो भाई सारे शुक्रिया अदा करो भाई, इन्होंने आज साबित कर छड़े है जी मिर्ज़ा कादियानी जानी सी ओदा शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया जी तुसी मिर्ज़ा कादियानी नु जलील करवाया, शुक्रिया जनाब। हां जी हां जी शुक्रिया भाई साहब की हाल भाई, सारे रल के शुक्रिया अदा करो भाई जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा कादियानी दा इज्जत अफजाई। हाँ जी हाँ जी तरीके की करवाण दा। हाँ इन्होंने ना सानू फुल भी सेंड किए ने, ते इस वजह तो फुल सेंड किए ने कि असी मिर्ज़ा कादियानी उदानी साबित अज किया थे। और मुरब्बी जी बड़े खुश होए ने, वाह जी बल्ले भाई बल्ले, मिर्ज़ा जी अज जड़े ने उदानी साबित हो गए ने। हां मिर्ज़ा साहब तुम छड़ो लानत भेजो उस कादियानी ते, मुक्ति जी मेरी गल दा जवाब दो। जी जनाब मरदेई जी दसो, तुसी दसो मुफ्ती जी, तुम सारिया गल्लां कादियानियां दे बारे कीतियां बहुत सोहणियां कीतियां, मैं तुहानू एप्रीशिएट करदा वां। अच्छा सवाल विच ना ओह चुक के गया वा, कोई अच्छा जवाब नहीं दिता। ठीक है कि तुसीं हराम दे नहीं हलाल दे जे इहदा जवाब दिओ। नहीं मैं दे जे हुण क्या ते है वे कि भाई ए सारे मरज़ई तुसीं जिहड़े हरामी हो। नहीं नहीं वेखो मैं जवाब दित्ता ते है, तुसां सुनिया नहीं है। मैं क्या जे उन्होंने साबित भी किया वे कि मेरा का म्यूट करो यार, एक मिनट माइक म्यूट रखना जरा, मैं जवाब देने लगा ना उन्होंने मेरा जवाब। अच्छा। तू सवाल करना सी कर लिया, हुन मेरा जवाब सुन भाई। मरज़ई इंज ते नहीं ना, मरज़ई गल है वे कि मैं जो जवाब दिता है ना, वो मैं जवाब यह दिता वे कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी तुहाडियां मावां दे नाल ते तुहाडियां दादियां नाल उन्हें जनाह किया जिहदियां तुसीं औलादा हो, फिर अगू खलीफे भी जनाह करते रहे, समझ आई कि नहीं? तो तुसीं ते हरामी हो ना जी, मैं साबित कर छड़िया, हुन कहिंदा जवाब चाहिए जे होर चल माइक ते म्यूट करना। चलो तुसा ते चल चुप भी ते करना यार, ओ जवाब भी ते सुन, ओ मेरा माइक, ओ मर जा मरज़ईया, जवाब भी ते सुन देदा, चुप कर मरज़ई, एदा नु थल्ले लास होए नहीं अगर इन्हें सुन। मैं तेरी भैन ते चढ़े ना, कैमरा खोलो अपना, कैमरा खोलो। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट बाबा, एक मिनट। अच्छा बात ये है कि देखो तुमने कोई मेरे हरामी होने का कोई सबूत नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारे हरामी होने का सबूत दे दिया। बात तो सबूत से है ना, मैंने कहा देखो लिखा हुआ है अल फजल अखबार 31 अगस्त 1938 का शुमारा है कि मिर्ज़ा कादियानी कदी कदी जनाह करता है क्योंकि वली अल्लाह है, तो खलीफे के उत्ते सानू बड़ा वे कि भाई यार रोजाना जनाह करता ही रहिंदा है, वह तुहानू तुहाडियां जनानियां नू चोदा रहा है मिर्ज़ा कादियानी, तुहाडियां मावां नू दादियां नू नानियां नू जिन्हां दे तुसीं नुतफे हो हरामी। देखो मैं तो दलील दे छड़ी है, दलील नाल तुहानू साबित कर छड़िया है तुसीं जनाह की पैदावार हो हरामी हो, ते मेरे हरामी होने तुझा कोई सबूत नहीं दिता सिवाय ये कोई शक्ल वेख लो, तो शक्ल वेख लो जाके मिर्ज़े कादियानी की, वो तो मिर्ज़ा कादियानी भी हरामी नजर आएगा। है जे तो पग बनन दे नाल तुसा सानू हरामी कहते हो पे, या दाढ़ी रखन दे नाल कहते हो पे, तो सब तो वड्डी पग तो मिर्ज़े कादियानी ने बनी जाए ना, तो दाढ़ी उन्हां दी मेरे नालों ही वड्डी है, समझ आई जे कि नहीं? गल करो भी बनी। हाँ जी तो गल साढ़े ना ऐद कादियानी है। अच्छा गल जी है ना साढ़े बंदे के पुत्रां वाली सीधी सीधी करिया करो, सीधी सीधी, तो इधर उधर दियां तुसीं करोगे तो फिर इधर उधर दियां साढ़े कोल भी सुनोगे, समझ आई कि नहीं? चलो जी आमिर नज़ीर भाई फ्री हो गए ने, आंदे सन सफर ते सन। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇਆ ਖੈਰ ਦੇ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਬਸ਼ੀਰਉਦੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਂਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ, ਯਾਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਖਾਤਮ ਨਬੀਜੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਲ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਫਟ, ਨਬੀਓ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਬੀਓ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਸੀਲ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਫਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੈਂਪ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਤਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ eavislam.com ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਲ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਢੋਲਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਰਜਮੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਮਾਮਾਤੁਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੋਲ ਜਲ ਉੱਠੇ ਦਿਲ ਕੇ ਦਾਗ ਸੇ ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਯੀਨ ਇਹਨੂੰ ਯਕਤਲੂਨ ਨਬੀਯੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਕੈਨ ਉਹਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਦੇ, ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਊਠ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁਲਾ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਊਠ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਊਠ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਚੁੱਕੀਏ, ਮੌਲਾ ਬਸ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨੀ ਕਾਸ਼ਵ ਭਾਈ, ਤੇ ਲੋ ਕਾਸ਼ਵ ਭਾਈ ਲੋ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਬਾਸ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੌਲਾ ਬਾਸ, ਗੋਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲਾ ਭਾਈ। ਬਸ ਭਾਈ ਆਪਕੀ ਆਪ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਪੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੋਰੀ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਦਾੜੀ ਮਨਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੇ ਬਸ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਾ ਹੱਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਆਪ ਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕੀਆ, ਤੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤਾ ਉਹ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚੋਂ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
तो मैं अपने भाई मुसलमान भाई जो नीचे बैठ कर कमेंट कर रहे होते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब हमारे मनाजर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप दीन इस्लाम के ताजदार खत्म वो जिंदाबाद के नारे लगाएं, लेकिन गालम गलोच करना कोई नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो गालम गलोच कर रहे थे वो मिर्जा जी हलीमी के जो भाई, अबू हसन भाई वो आप भी मुबारकबाद दे दें प्लीज, साहिल भाई छोड़ दो ना, जो गेम पकी है वो दो नहीं है मुझे मशवरा दे दे। और साहिल भाई जो गेम पकी है वो भी मशवरा दे दे। साहिल भाई आपको पता है मैंने कभी गाली नहीं दी, अपना निकालना, लेकिन ये मंदिर ने गोरी के कहने पे। अच्छा चलो आप कहते हैं तो अपना उस्मान भाई आपने कहा है तो मैं नहीं निकालूंगा, वरना मैंने तो आज इसको मधोल के रख दिया। नहीं नहीं निकाल दे बेशक, तीन दिन मधोला मुझे बहुत है, पहले मेरा शुक्रिया अदा करो, नहीं पहले मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने जो मधोला है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करो मेरा। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से, अच्छा मैं नहीं, पहले उस्ताद मोहतरम ने भी तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, मैंने भी किया है। चल जजाक अल्लाह जी, जजाक। हाँ तेन उन्हें जी मधोल के रखांगा। अच्छा ये है मौला बस साहब, ये जो वही नाजल हुई थी मिर्जा जी के ऊपर मौला बस, ये जूलियत की ताकत के इजहार के बाद तो नहीं नाजल हुई थी? मेरा एक सवाल है, एक बंदा गोरी के कहने पे दाढ़ी मनवा देता है आपका, उसके मुफ्ती साहब ने सवाल किया उसका जवाब दे। नहीं नहीं मैं ये मुफ्ती है, मैं तो आम बंदा हूँ, मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से, मैं एक फतवा लेने आया हूँ। जी जी, क्योंकि फतवा मुफ्ती देता है, कोई गोरी के कहने के ऊपर दाढ़ी मनवा देता है तो उसके ऊपर क्या फतवा लगता है? क्या फतवा लगता है? हाँ जी मसीह मौत मान लो आमिर नजीर को फिर मान लियो परवाने के लिए मसीह को यार गल तो मैंने अंदाजा लगा लिया है। अच्छा गल तो हूं सुन लेना यार, छुरी थले साल है आप, ओ जीव मूंज पा, आप मुफ्ती साहब जीव मूंज पा, गल ते करन दे रे किसे नु हुन तो ले आए तो चलो ये नहीं भाई करन दे ते चुप्पी नहीं करते कलमा पढ़ते आप इनको तो ले आके कहां का शुरू कर दे। अच्छा यार मौला बस गल सुन भी ते लेना यार, उन देख सुनता नहीं पिया नहीं हुई वो पहले शुरू सुन दे इसका माइक के ऊपर पहले आमिर साहब ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्राइव करते करते उनको प्रायोरिटी दी। आमिर साहब मैं तेरी गल सुनी है सारी, मैं दाढ़ी जेड़ा तू फतवा लिया मुफ्ती साहब को ना फतवा दे भी दिता है ते मैं चुप कीता रहा, गल ठीक है, जेड़ा बंदा गोरी दे आखन ते दाढ़ी मना दे बिल्कुल इसे तरह दा, तेरे मसीह मौद ने उलमाए इस्लाम को फतवा लिया सी ते उन्हें आख्या सी जेड़ा बंदा आवन आले महदी मौद दा कतअन इनकार कर दे, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, वो लैके फतवा झूठा ते आख्या लो जी वो जेड़ी मेरी त्रै महीने दी पेश गई सी ना 13 महीने दी वो पूरी हो गई है, मुल्ला जाफर जकली ते अबुल हसन तिब्ती ते मौलाना बटालवी ते जिल्लत दी मार वारद हो गई है, झूठा फतवा लैके बाद च आप ही मिर्जा साहब आंदे ने ओ यार अब्दुल जबार गजनवी ने मैनू बड़िया गालां कढ़िया ने, उन्हें आख्या ओ मिर्जा कादियानी तू साडे को झूठ बोल के फतवा लै गए, ये तुहाडी सुन्नत है झूठ बोल के फतवा लैना, जिस बंदे ने किसे गोरी दे आखण ते दाढ़ी मनाई होवे ओहदे ते अल्लाह दी लानत है। चल हुण मुनाजरा करन लग्या दो ईसाइयां नूं लै के गया क्रिश्चियन नूं, इहदी गैरत दा अंदाजा लाओ, ये मुफ्ती साहब नूं लै के जावे ए कालू साहब को बहुत अच्छा इल्म है, मैं उन्होंने तो तुहाडा कादियानी मुरब्बी खालिद और रूबी दे नाल बैठा रहंदा जे ओदी गोद दे विच, कल रूबी नु लेके आए से नाल, कल रूबी नु ते नाल लेके आए से, हां और जोसेफ नु मैं ता ही बुलाया है, इना रूबी नु नाल बुला के बहा के ते और ओही काम करवाण लगे सन जेड़ा उस दिन करवाया सन ने, अल्लाह दे नबी नु गालां कढांदे ने मिर्ज़ा जी कोल बैठ। अच्छा मुफ्ती साहब मेरा एक और सवाल है जी, मैं मुफ्ती साहब मैं फिर भी करांगा कोई मसला नहीं, गिफ्टिंग का कोई मसला नहीं, तुहानू मैं शेर भी किसी दिन मार देना सही हो गया।
जिस दिन मैं मिर्जे कादियानी नू 16 दिन ओदी मक्कत चो खून छुड़ावा ना उदो मारना जी शेर मजा आएगा खिलाफ अपनी निशान नंबर 85 निशान 85 दे उत्ते ना ए शेर एक सुटना जे मेनू मुफ्ती साहब मेरी गल सुनो मैं तो लाइक इस तू करदा कि तुसी ना इख्तलाफ अपनी जगह ते तुसी मुनाफिक नहीं हो ए आमिर नजीर मुनाफिक है ओ केंज जी महसूस कर नहीं फिर मैं जोसफ नु बाकी कॉल करके बुलाया गल ठीक ओ तन्नू वेख के आयो कहंदी कि मैं नामबिर ना 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 लबेगा मेनू लानत पावे नावांगी एदी ऐसी भी तैसी रूबी दी मेनू लानत ने के पानी है लेकिन तन्नू ने क्या है आंबिर मेनू जिथे तन्नू मरजाईया बुलाया जोसफ जोसफ नु मैं बाद च बुलाया लेकिन तुसा पहला रूबी नु बुलाया ओ दे कह के मैं आमिर नु वेख के आईया लानत पाण आमिर नजीर साहब देखो ना मिर्जा कादियानी ने हजरत ईसा अलैहि सलाम दे बारे च इन्नियां गुस्ताखियां कीतियां ने हजरत ईसा अलैहि सलाम दे मनण वाले जेड़े ईसाई ने जाहिर है ओही उधर जवाब देणगे ओ ज्यादा पावरफुल जवाब दे सकदे सन उहनां नूं किसी कोई मिर्जा कादियानी दी इस गल तों ओ तां करके ओ आया सी असल बुलाया महसूस कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उन्हूं मकार ते फरेबी आख्या मैं क्या ठीक है जोसफ मसीह नूं मैं बुलाया उन्हें आख्या मिर्जा कादियानी ने आप अल्लाह अपने आप नूं अल्लाह दा पुत्तर रखिया ओ फिर उन्हें घुमण ने मन्निया उन्हें आख्या नहीं तलत मलक ने आख्या नहीं खुदा दा बेटा नहीं आख्या मिर्जा साहब ने लिखा खुदा के बेटों की तरह बेटा नहीं आख्या रूबी ने कहा कि जिथे आमिर नजीर होगा मैं लानत पावे आवांगी नबी नु गालां कढ़ियां ने मैनू भी गालां कढ़े ते मैं खुश हां मेरे वास्ते बायसे फखर है लेकिन जोसफ मसीह ने मर्दाइया नु एक मिनट मौला बस रखदा है एक मिनट खलो ते जाना जेड़ा जोसफ मसीह मैं बुलाया ना मिर्जाई ने आख्या मसरूर मिर्जाई ने आख्या मैं नबी पाक दी सीरत बयान करना जोसफ मसीह ने आख्या तू चुप कर मैं पैगंबर इस्लाम दी सीरत बयान करना ओने मर्जाइया दे सामने इस्लाम नबी पाक दी सीरत बयान कीती ते मिर्जाई जेड़े ने ए अपना मुंह लाके ते बह रहे मिर्जा जी नू सट दियो फिर कुछ ते सटो कोई ते सटो जी 400 यूरो दा शेयर आउंदा तुसी मैनूं हुण अकाउंट दियो मैं 400 यूरो हुण तुहाडे अकाउंट पा दे चलो तुसी ते वड्डियां वड्डियां छड्डदे सो पे ते इत्थे ते सटो दा एक मिनट चुप भाई कोई ना बोले भाई कोई ना भाई ए बड़ा पैसा वंडदे जे पे भाई बड़े अमीर जे है ए चलो जी सटो जी एक शेयर सटो फिर जल्दी करो बड़ा अल्लाह दा फजल है जी हां जी चलो सटो फिर तुसी आंबेर नजीर हुण ही पता चल जांदा ना इन्हें गोरी दे कहण ते इन्हें गोरी दे कहण ते दाढ़ी मनाई छी ते लानत पा दियो क्यों लानत पा दियो जी क्यों लानत पा दियो तुसी मसीह मौत ते लानत पवांदे हो पे तुहानू मैं कहा सी कि भाई जेड़ा तुसा सवाल कीता सी कि दाढ़ी मुड़ा ते ओ की हुंदा ते मैं कहा मसीह मौत ते मसीह मौत ते लानत पवांदे हो पे साहब मेरी गल सुनो पवांदे हो ते मैं पा देना मसीह मौत ते लानत ए मुनाफिक जे ए बंदा ओए लो जी मैं लानत पाण लगा भाई हुण शेर आन लगा जे भाई दो जी मैं लानत पाण मसीह मौत ते लख दी लानत बेशुमार लगातार लानत बस भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा।
बात सुनने में एक बात करने लगा हूँ। आपने अमर भाई के ऊपर बात की कि उन्होंने किसी के कहने के ऊपर दाढ़ी बनवाई, इसलिए अमर भाई जो है ना वो मुनाफिक है, क्योंकि वो एक ईसाई को लेके आए आपके साथ डिबेट करवाने। तो याद होगा कि जब मिर्ज़ा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के ऊपर चढ़ाने के बारे में बात की ना, तो मुसलमानों के अंदर से उसको गवाही कोई ना मिली, तो उसने ना यहूदियों और ईसाइयों को ना बतौर गवाही पेश किया था कि ये देखो मुसलमानों, यहूदी और ईसाई जो है ना ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। तो मिर्ज़ा साहब फिर आपके मंतक के मुताबिक क्या हुए, मुनाफा क्यों हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, ये शेर दो शेर बंदे ने इत्थे थे, लो जी साहिल भाई पैन लगे थे दो शेर भाई। साहिल भाई ये डिबेट कराने लेके आया है उन्होंने भाई, मतलब बस डिबेट करवाने क्या लेके आया, इसी वजह से है ना। मेरी गल तो सुनो ना, मिर्ज़ा साहब ने तो कितने नहीं ना लिखा कि मेरा तो ईसाइया का अकीदा एक ही है, इन्हें इन्हें क्या कि साडा एक ही अकीदा है। मैं वो अच्छा आपके मिर्ज़ा साहब ने नहीं कहा लानत अल्लाह अल काज़िबी, तू कहता अल्लाह दी लानत होवे, हजरत ईसा खुदा दा बेटा है, ये भी मान के आया है, अल्लाह दी लानत होवे झूठियां ते। लेकिन जो मंतक आप पेश कर रहे हैं उस मंतक, वो आपके मंतक के मुताबिक मिर्ज़ा साहब इसके बीच में आजाद के अंदर आ रहे हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने, आप ये बता दें ये आपके साथ बैठता है, आपके बुजुर्गों ने क्या लिखा है इनके बारे में? हमारे बुजुर्गों ने वो यार मौला बस जंप लाके कदी उधर कदी उधर कदी उधर किसी एक जगह टिक भी दे जाओ, किसी एक जगह ते शेर सुट भी दे दियो। साहिल एक मिनट भाई चुप करी जरा, साहिल किसी एक चीज दे उते शेर सुटो भी ते सही ना, तुसी ते जंप ही मारी जांदे हो पे कदी उधर, चलो फिर शेर कड्डो, शेर किथे जे जोसेफ मसीह जेड़ा है ना ओ नबी। अच्छा चलो नवी गल शुरू कर दियो जी, ताकी करदा हो ओ भाई जी, गल है वे के तुसी ते शेर वंडदे सो पे जे हुण ते मैं शेर मिर्ज़ा साहब नहीं सटदे पे ते मैं की करा। हां जी की रद्द ने फिर नहीं लैन गए जे भाई, लगता है कुत्ता बिल्ला ही सुटन गए, इन्हां कोल शेर शूर कोई है। नॉलेज रखता है तो रात का नॉलेज रखता है, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੋਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मौला बस ने जी ये मेरे पास ये रात को मैंने लिखा है कि इसने मुझे जो है ना ये बताया था कि ये जो आयत है माँ काना बाहुकुम, इसने मुझे बताया कि इसका जो मतलब है ना स्टार्टिंग लाइन का कि वो मर्दों में किसी के बाप नहीं है, इसने उसका तर्जमा किया था कि वो अम्बिया में से किसी के बाप नहीं है, तो इससे ये पूछना था कि इस बात का, ये मुफ्ती साहब भी बैठे हैं तो इसका तर्जमा कर दे इस आयत का हमारे सामने। जी नहीं, मैंने तो इस तरह नहीं कहा था जिस तरह कह रहे हैं, मैंने तो आपको कहा था कि खातम का मतलब है जो फजीलत दी जा रही है, लेकिन इस वक्त ना मेरा मौजू आमिर नजीर है, वो बात फिर बाद में करेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं मुरबी आया है ओ खातम नबीन का मतलब कर रहे हैं नबिया की मोर, तुसा कीता है फजीलत मिर्जा जी कर देने खत्म करने वाला नबियों का, तुहाडी ते आपस च नहीं कोई बनती पई ते तुसा की जवाब देने ते की मुनाजरे करने जे, कोई समझो बाहर जा हो गया काम। मैं तुहाडे कोल इक फतवा लैण आया, देंदे हो कि नहीं? मैं हुण भाई इधर वेखो ना, तुहाडे पहले मुरब्बी जी आए वो आंदे ने कि नबियों की मोर, तुसी आंदे हो फजीलत, मिर्जा कादियानी कहंदा है कि जनाब नबियों को खत्म करने वाला, खत्म करने वाला नबियों का मुफ्ती साहब मेनू दसो फतवा देना कि नहीं देना फिर।
कोई गल नहीं करेगा, सिर्फ दो बंदे गल करनगे, आमिर नजीर साहब मौला बस नाल गल करनगे। नहीं मैं दे नाल करनी नहीं, लंबी गल नहीं, मैं सिर्फ इक्को गल पूछनी मौला बस नु, इनु इस गल दा यार गालो गालो हुण तो बगैर भी ओ जरूर इक गाला कट के मैं कहना, मैं यार ना पता यार ना दसी यार ना पता यार ना दसनी नहीं, ओ यार तेरे ते कोई मैं जुर्माना नहीं पा, दे खौफ दा मुफ्ती साहब नाल गल करनी। अच्छा गल मैं सिंपल ही पूछनी है, कोई एडा औखा सवाल नहीं मैं पाण लगा, दसदा ही नहीं तू तो दसदा नहीं, दूजे मेरा सुनदा ही नहीं। हां तू दिया के सवाल भाई, ओ सुन ओ कन्ना जुंगलियां तोल लेने ने मुफ्ती साहब, पता नहीं के हो गया। आई लव यू, आई लव यू जी, आई लव यू जी। मुफ्ती साहब गल सुनो, तुसी तुहानू इख्तलाफ है साडे नाल, मैं मंदा, लेकिन तुसी मुनाफिक नहीं हो। हां इस वास्ते आई लाइक यू, ठीक हो गया। तो मुफ्ती साहब काशिफ जेड़ा नहीं है मेनू गाली कटदा है, मिर्ज़े कादियानी दी किताबां दी तलावत करदा जे, करन दिया करो, तुहानूं की है। मुफ्ती साहब गल सुनो, इन्हें मेरे नाल पहले लाई सी दोस्ती, की गाल कड्डी सी, मैनूं गाली कड्डण लग गया, केड़ी गाल कही, दसो तो सही, इन्हें की किया, उन्हें रंडी दिया बचिया, ओ खंजीर दिया पुत्रा, ओ बला दुल हराम, ਉਹ ਤੁਝੇ ਹਲਾਲ ਦਾਦਾ ਬੰਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਦਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਂਬੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰੀਆ ਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਕਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮਿਰ ਵਲਦਲ ਰਾਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਖੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਜਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮਨਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ? ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਬਸ 10,000 ਬਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਮੰਨੋ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ ਚਹਾਰਮ ਤੇ ਸਫਾ 570 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੌਲਾ ਬਸ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਇਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਮੌਲਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਬਸ ਮੌਲਾ ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੈਂ 10 ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਦੇ ਸੱਟੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੱਟੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਗਿਫਟਿੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੱਕਾ ਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਮੌਲਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੱਕਾ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੌਲਾ ਬਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਲਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਬਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣੇ ਬਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੇ ਮੌਲਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਨਾ ਲੈ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਿਓ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾਏ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾਈ ਹੈ ਗੋਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮੌਲਾ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੋ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈਏ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਨਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਜੋ ਜ਼ਾਨੀ ਥਾ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇ ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਭਾਗਨੇ ਲਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰ ਜਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਥਾ ਵੋ ਇਸਕੇ ਸਬੂਤ ਆਪਕੋ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਇਨਸੇ ਮੁਤਰਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਵੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾ ਦੀ ਉਸ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਵੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
जिसको तुम मानते हो कि ये तुम लोगों का वो मचा 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 खालिब खाली खामिस के थामिस क्या बोलते हो उसको, चारम के पंजम दोयम के स्वयं, उसके बारे में एक किताब लिखी हुई है मुफ्ती साहब ने, वो किताब मुझे भेजी थी, मैंने पूरी लाइव की हुई है उस किताब पे। उसमें बताया गया कि लंदन में जो दरियाए टेम्स के ऊपर हॉस्पिटल है, द हॉस्पिटल टेम्स, उसमें मौलाना साहब बीच में नहीं बोलना, मैं यकीन कर मैं माइक स्पीकर ऑन कर लिया ना ते तू कन्ना दे ना इलाज करा दे फिर मैं उठे ते मेहरबानी मेरी गल पूरी सुन ले चुप करके, चुप करके गल पूरी सुन मेरी। दरियाए टेम्स के ऊपर जो टेम्स हॉस्पिटल है, डॉक्टर फायजा कौन थी मौला, बस तुम बता डॉक्टर फायजा कौन थी जिसको रबुआ से बुलाया गया था लंदन में सिर्फ मिर्जा ताहिर की बीमारी के इलाज के लिए, और फिर मिर्जा ताहिर जो है उसकी बेटी जब अपने बाप की तीमारदारी करने हॉस्पिटल पहुंची तो उसने डॉक्टर फायजा को और तुम्हारे मिर्जा ताहिर को एक ऐसी हालत में देखा कि वो दरवाजे से ही वापस चली गई। ओ भाई साहब इसकी एक गवाही तो मैं अभी साबित कर देता हूं आपको। हाँ जी थेम्स, थेम्स हॉस्पिटल नहीं, रिवर टेम्स के ऊपर हॉस्पिटल है यार, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, मेरे पास नाम भी है उसका। अक्का का गुलाम जरा माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा, आपकी स्ट्रीम के ऊपर जिया भाई के साथ एक डॉक्टर प्रोफेसर साहब आते होते थे, मेरे जेन से नाम निकल गया उनका, डॉक्टर प्रोफेसर साहब थे बाबा जी, होली स्पिरिट साहब, हाँ होली स्पिरिट साहब, ये उनसे मैंने लाइव कॉल पे पूछा था कि मैंने किताब में ये चीज पढ़ी है, वो होली स्पिरिट साहब वो हैं जिनकी मिर्जा मसरूर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, यानी जो करीबी दोस्त थे मिर्जा मसरूर के उनमें से वो डॉक्टर होली स्पिरिट हैं, और उन्होंने इस बात पे सबूत दिया था कि मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। दरियाए टेम्स पे ऐसा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, और इसकी वालदा जो है यानी वो जो इसकी बेटी जो है इसने देखा था डॉक्टर फायजा के साथ अपने बाप को, और वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई थी दोबारा अपने बाप को हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं आई। और लख दिलाना थे मिर्जा कादियानी थे मिर्जा जूनियर आले लख दिलाना थे, अब इसका सबूत दो ना, तुम्हें आमिर नजीर की दाढ़ी की तो पड़ गई, तुम लोगों ने खुद दाढ़ियां रखी हुई तुम लोगों ने शरीयत के मुताबिक, तो चलो कालिया चल तेरी नहीं सुननी, पहले दस मिर्जा ताहिर और डॉक्टर फायजा का बताओ जरा, पहले मिर्जा ताहिर और डॉक्टर फायजा, मिर्जा ताहिर डॉक्टर फायजा रबुआ से डॉक्टर फायजा गई थी, चंदा सिस्टर करिया मौजूद है आपको इस बात के बारे में इल्म है। अच्छा भाई मेरे पास तो किताबियों वाला भी है और मिर्जा मसरूर का करीबी दोस्त, कहीं मुलाकात हुई तो मैं ले आऊंगा अगर टिकटॉक पे आ सके वो, तो वो इस बात का इकरार करे, बल्कि उन्होंने तो बहुत सारा कच्चा चटा खोला था डॉक्टर हॉली स्प्रिट ने। मेनू टाइम देगा जी, और बोला भाई लब लाई ना मेनू डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम नहीं याद आ रहा, ये जरा रिवर टेम्स है ना उसके ऊपर हॉस्पिटल है, सिर्फ तेरी सुन मैं वे के आउटे मैं क्राइडन गया सा तो उदू नंग च गया सा तो ड्राई टेम दी कुन बाबा सफर करके तो मैं हॉस्पिटल विक के है उठे एक मेरी तो बोला बस मसूस की तई है देखो जी अब मसूस की तई। अच्छा सुनो जेड़े मदरसे दे मौला बस महसूस कर रहे हो जेड़े मदरसे जी 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 उस्मान भाई नहीं आया मैं नीचे कश भाई कादियानी हां जी तो मौला बस साहब को काफी टाइम दे दिया है तो अभी इनको प्लीज नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाइएगा अब काफी टाइम आपको दे दिया तो ये अगर तालीम नहीं देते तो ठीक है बात कर सकते हैं तो करें तो नहीं तो फिर ये खुद ही नीचे यार इतना डर नहीं नहीं वो मिर्जा साहब भी गालियां देते नहीं इतना डर एक टाइम तो दो एमजी नहीं बिठा सकते नहीं हमारे ये हमारी स्ट्रीम का ये भाई तरीका कार है हम एक टाइम पे एक ही बंदे को कॉल पे लेते हैं वो इस तरह पर खिचड़ी मच जाती है ना और खास तौर पे ये दो एमडी दो कादियानी अगर एक टाइम पे ले ना तो वो मछली मंडी बन जाती है इसलिए अब आप मसलन आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या बात क्या करनी है आप गलत बयानी कर रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा थेम्स हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है थेम्स हॉस्पिटल हाँ रिवर टेम्स के ऊपर वो हॉस्पिटल है भाईजान उसका नाम थेम्स हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा अच्छा मुझे लगा आपने कहा कान खोल के सुनया करो तो दिमाग में इतिहास रखा करो जो मिर्जा कादियानी की मजी चुकन लगती है ना तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं दरियाए टेम्स के होते हॉस्पिटल है मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं सच बोल रहा हूं तुम्हें महसूस हो रही है हूं नाम देखो क्या रखा हुआ बोला भाई है ना है तुम्हारे बोला भाई है तेरी बीवी भी तेन कहनी बोले भाई और बोले भाई नहीं तेरी बीवी भी तेन बोले भाई बुलाती है दस मिनट मैनू नहीं तेरी तेन कहनी बोला भाई दाढ़ी बोला भाई। अच्छा
ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਚੱਲ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਚੱਲ ਹਲੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਟੀਮਸ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਰਿਵਰ ਟੀਮਸ ਅੰਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ ਰਬਵਾ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ ਰਬਵਾ ਸਿਆਹੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਲੇ ਚੱਲ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਹਰ ਚੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਵ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਨੀ ਸੀ ਨਾ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਰੀਜਨ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਕਸਮੇ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਕਾਸ਼ਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੰਤਰੋ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਚਲਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸਤਾਦ ਲੈਪਟਾਪ ਆਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਲੀਅਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਾ ਕੁਟਾਈਆ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁੱਟਾ ਕੁਟਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ ਬਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦਲਾਇਲ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਕਾਸ਼ਫ ਜੀ ਅਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਆ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਅਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौकफ की अक्कासी करें हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौकफ के जिम्मेदार नहीं एक बार और इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौकफ की अक्कासी करें हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौकफ के जिम्मेदार नहीं इन्हें ना काल तो थले ला दियो मैं अगली गल बात चुका उस्मान भाई ए तुसी हाजर हो उस्मान तू उस्मान ही है होस्ट हेलो जी जी सादे मोहतरम जी जी सादे मोहतरम यार तुसी किंज दे तरबियत याफ्ता हो यार जी जी सादे मोहतरम इधर ही हूं मैं गल है वे कि जदों साडा एक मौकफ ही नहीं है तुसी उस मौकफ नु क्यों मान करदे हो पे ते करांदे हो पे बराड़ ते ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿਤਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਲਮ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਰੋਕੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚਲਾ ਬਾਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਲਾ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौकफ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौकफ के जिम्मेदार नहीं। अज तक मैं तो नहीं वेख्या कि किसी मुसलमान ने किसी कादियानी नु कुटिया होवे, बल्कि मारे ही खांदे रहे ने। जो कतल होए तो साढ़े मुसलमाना के होए, इन्ह कादियानिया ने कतल किए। ये चोर तो डाकू तो लुटेरे इन्होंने लुट के खा गए। चलो यार मोदू छेड़ो, अगे अगला चे तब्दील करो। अखा खोल के रखे कर उस्मान, की करना पिया मैं भी यही समझा था कि दलाइल से ये कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो कौन किसको मार सकता है। बाहर के मुल्कों में तो ये इनका तारुफ भी है, ये कहीं अब्रॉड कंट्री में रहते हैं, तो अब्रॉड कंट्री में ये कैसे किसी को मार सकते हैं। तो मैं यही समझ रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं या कोई दलाइल की कोई बात कर रहे हैं। जब आपने इसे कन्फर्म किया ना, तो फिर मैं तो चुप हो गया था। चलें मौजू बदलते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल भाई, साडा कोई तलक नहीं है, असि नहीं इन्हों जानते हैं। बिल्कुल उस्मान एवं कहता है पे साडा ही बंदा है। क्यों कहते हो तुम यार, जो तुम्हें पता ही नहीं है तुहाडा बंदा कितों हो गया भाई, तुम कोई रिश्तेदारी की है। अस्सलाम वालेकुम, साडा ही बंदा है। वालेकुम सलाम शाह जी, ये जिस जहाँ से इनका तल्लुक है मैं जानता हूँ, तो मैं इनको समझा दूंगा। मेरा ख्याल है इस मौजू को बंद ही कर देते हैं, किसी और तरफ बात करते हैं। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौकफ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौकफ के जिम्मेदार नहीं। जी बिल्कुल, दोबारा से मैं बता दूं कि हम खत्म-ए-नबूवत फोरम और खत्म-ए-नबूवत टाइम्स किसी के मौकफ और किसी की आरा के जिम्मेदार नहीं। हर कोई अपनी अपनी बात का खुद जिम्मेदार है, हमारी बात का उस्ताद मोहतरम भी जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ये नेट की दोषी है भाई, और नेट की दोषियों की वजह से कभी कोई कह दे कि भाई मैं इसको जानता हूँ, तो वो सिर्फ एक यही समझा जाए कि ये नेट की दोषी है। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई मतलब हम नहीं किसी को जानते। और वल्ला ये जितने भी बैठे हुए हैं इनके अंदर से शायद इक्का दुक्का ही बंदा है जिसको मैं मिल चुका हूँ, और वो भी एक आध दफ़ा। समझ आई कि नहीं? हर एक अपना जिम्मेदार है, कोई नहीं किसी को कोई नहीं जानता। ये नेट की दुनिया है भाई, तो आइंदा से एहतियात करें भाई। कोई ना ये कहे जी यहाँ ये अपना ही बंदा है, पर क्यों? कोई नहीं अपना बंदा भाई, हर एक अपनी कीती दा अपनी जिम्मेदार है भाई। और साड़िया बराडा दे आके बिल्कुल नहीं है कोई मार कुटाई तो कतलो गारत गिरी जी दल ना करया करो। तुम यह अपन शेखियाँ जड़िया ना अपने को रखा करो, थोड़ी मेहरबानी। दलील थोड़े को है कौन, तो एवं ही मारिया तो कुटे आ वे मन चौधरी। चल यार गल करो, और कोई गल छेड़ो। जी जी उमर भाई, वो बताइएगा, लिस्ट दीजिएगा कौन कौन से हॉस्पिटल का कह रहे थे आप। जी भैया, सेंट थॉमस, ये भी रिवर टेम्स के ऊपर है। दूसरा हॉस्पिटल गाइस एंड सेंट थॉमस एनएचएस, ठीक है जी। तीसरा हॉस्पिटल है गाइस हॉस्पिटल, और चौथा हॉस्पिटल है लंदन ब्रिज हॉस्पिटल। नहीं, ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल लगता है मुझे, क्योंकि ये सेंट ब्रिज थॉमस हॉस्पिटल रिवर थेम्स जो है ना उसके ऊपर यही तीन चार आ रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ जी, हाँ जी, वो सेंट थॉमस हॉस्पिटल है। और डॉक्टर फायजा जो है वो रबुआ में डॉक्टर थी, वहां से उसको स्पेशली मिर्जा ताहिर के उसकी वो करने के लिए क्या कहते हैं उसको, तीमारदारी करने या उसकी हेल्थ चेक करने के लिए उसको बुलाया गया था। और क्योंकि वो साहब तुसी पर्दे रखण लगते हो मिर्जियां दे, खोल के दसो केड़े काम लई बुलाया सी जेड़ा तीन कार दी फड़ गई सी।
ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਕੋ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੁਣਾਨੇ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਟਵਿਸਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਨਕੋ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂ ਗਈ ਉਨਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਯਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਥਾ ਯਾ ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਹਰਹਾਲ ਯੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਵੋ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੋ ਤਾਹਿਰ ਕੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਵੋ ਜਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਸਕੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਬ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੀ ਨਈ ਅੰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਉਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਵੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਾ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਭਾਈ ये बड़ी एक नई खबर थी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग भी है वैसे तो इनके करतूत पता ही हैं सारे खुले में ही हैं इनके करतूत कोई एक छुपा हुआ भी नहीं है अच्छा कोई यही वजह तो नहीं है काशिफ भाई कि वो देख के भी खामोश रही तो फिर आगे उसके साथ भी जो कुछ उसने भुगता फिर आगे उसकी बेटी ने भुगता यही वजूहात तो नहीं सामने नजर आ रही है इन सब चीजों में ऐसा ही कुछ लगता है ये किताब लिखी हुई है डॉक्टर खालिद मतीन साहब की और